हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम की आज इस वीडियो में शुरू करेंगे 2 मई 2019 से करंट अफेयर के क्वेश्चन, और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ आपको कि मैं एक पीडीएफ बनाया हुआ हूँ जिसमें पिछले 6 महीने के करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। इसको कल करीब करीब 750 लोगों ने परचेज किया था, और इसमें जो क्वेश्चन है टोटल 300 क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन नवंबर 2018 से लेकर अप्रैल 30 2019 तक हैं, और ये सभी क्वेश्चन हिंदी भाषा में होंगे और एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। अगर आप ये सभी क्वेश्चन 300 क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो इसके बाद कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, या फिर किसी एग्जाम स्टेट का एग्ज़ाम हो, या फिर इंश्योरेंस का एग्ज़ाम हो, इसके बाद आपको कोई भी मैगजीन या फिर करंट अफेयर की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसमें हर महीना से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी 50-50 क्वेश्चन कवर किया है। तो अगर आप अभी इसको परचेज नहीं किए हैं तो इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। अगर आप इस पीडीएफ को परचेज कर चुके हैं या फिर परचेज करने के बाद कोई प्रॉब्लम आती या आपका पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा, तो आप हमको इस मेल आईडी पे या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF द्वारा जारी महिलाओं की रैंकिंग में 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में वर्ल्ड नंबर 1 कौन बनी है? तो इनका नाम है अपूर्वी चंदेला, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, अपूर्वी चंदेला जो हैं भारत के राजस्थान राज्य से हैं। इनकी आई है पूरी दुनिया में 10 मीटर एयर राइफल में नंबर 1 रैंक। अगर अब बात की जाए नंबर 2 की, तो नंबर 2 जो है ये भी भारत से खिलाड़ी हैं, चंडीगढ़ से, इनका नाम है अंजुम मुदगल। और जो नंबर 3 पे खिलाड़ी आए हैं ये साउथ कोरिया से हैं, इनका नाम है इमा हना। तो ये 3 खिलाड़ियों के आपको नाम याद रखना, और ये जो सीक्वेंस है 1 2 3 ये महिलाओं का है। अगर बात किया जाए पुरुषों में, तो पुरुषों में जो पूरी दुनिया में नंबर 1 रहे उनका नाम है कमेस्की सरगेई, जो कि रूस से हैं, और इसमें एक ही भारत के खिलाड़ी हैं जिनका 4 नंबर पे रैंक है, इनका नाम है पनवार दिव्यांग सिंह। तो ये पहला और चौथा नंबर के नाम के खिलाड़ी को आपको याद रखना है। ये हैं 10 मीटर एयर राइफल पुरुषों की श्रेणी में। अब आपको याद रखना है कि ISSF क्या होता है। तो ISSF जो संस्था है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग की संस्था है। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, और इसका मुख्यालय है जर्मनी के म्यूनिक शहर में, और इसके वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है व्लादिमीर लिजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में व्यापारियों के लिए आवर्ती भुगतान सेवा किसने शुरू की है? तो इसको शुरू किया गया है पेटीएम कंपनी द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, पेटीएम। अब आपको पता होना चाहिए कि आवर्ती भुगतान क्या होता है। आवर्ती बिजनेस यानी कि रिकरिंग बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसमें एक कोई बिजनेसमैन होता है छोटा मोटा, और उसके नीचे कस्टमर होते हैं, और वो उनसे पैसा लेता है और उसको सर्विस चार्ज सर्विस देता है। तो वो पैसा सर्विस चार्ज के लिए जो पैसा लिया जाता है, उस पेमेंट को पाने के लिए जो सुविधा दी जाती है उसका नाम है रिकरिंग पेमेंट सर्विस, और इसको शुरू किया है पेटीएम कंपनी ने। अब आपको 3-4 क्वेश्चन पता होना चाहिए कि पेटीएम कंपनी से। पेटीएम कंपनी के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा, इसका मुख्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश में। और एक सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेटीएम कंपनी जो है इसकी पैरेंट कंपनी का क्या नाम है, तो पेटीएम कंपनी की जो पैरेंट कंपनी है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन। पैरेंट कंपनी का मतलब होता है उस कंपनी की मालिक कंपनी कौन है, तो पेटीएम कंपनी की जो मालिक कंपनी है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन। और पेटीएम कंपनी के से एक जो पेटीएम पेमेंट बैंक है इसके जो CEO हैं उनका नाम है सतीश कुमार गुप्ता। तो आपको याद रखना सतीश कुमार गुप्ता जो हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के CEO हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और यहाँ पर मैंने लिखा है फ़ोनपे, फ़ोनपे जो कंपनी है ये फ्लिपकार्ट कंपनी की पेरेंट इसकी फ्लिपकार्ट पेरेंट कंपनी है, और इसने अभी अभी आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 200 वर्षों में सिंहासन छोड़ने वाले पहले जापानी सम्राट कौन बने हैं? तो इनका नाम है अकाहितो। ये इसका मतलब क्या है, यानी कि पिछले 200 साल में जापान का ऐसा कोई भी सम्राट नहीं हुआ था जिन्होंने अपना सिंहासन स्वयं छोड़ दिया। ये 200 साल में पहले सम्राट बने सम्राट अकाहितो, जिन्होंने अपना खुद स्वयं जो है सिंहासन छोड़ दिया है। तो ये तो बात हो गई जिन्होंने छोड़ दिया। अब क्वेश्चन दूसरा ये आपको याद रखना कि जापान के अब नए यानी कि अगले सम्राट कौन बनेंगे, तो ये बनेंगे अकाहितो के पुत्र बेटे जिनका नाम है नरहितो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, अब जो नए जापान के सम्राट होंगे उनका नाम होगा नरहितो। और
जापान में एक प्रथा है कि जिस समय जो वहाँ का सम्राट होता उसके पीरियड का एक युग का नाम दिया जाता है। तो जिस समय जापान में अकाहितो सम्राट थे उस समय के युग को, पीरियड को बोला जाता था हेसी इरा, यानी कि हेसी पीरियड। और जब अब नए जापान के सम्राट बने जिनका नाम है नरहितो, अब इनके पीरियड के युग को बोला जाएगा रिविया युग। तो ये दो नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा जापान जो देश है एक एशिया का देश है, इसकी राजधानी टोक्यो, इसके प्रधानमंत्री हैं शिंजो एबे, और यहाँ की जो संसद है पार्लियामेंट का नाम है डाइट, जैसे भारत में पार्लियामेंट का नाम है संसद, अमेरिका में कांग्रेस संसद का नाम है, वहाँ की पार्लियामेंट का नाम है, रूस की पार्लियामेंट का नाम है डूमा, और पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और इसी प्रकार जो जापान की संसद है उसका नाम है डाइट। ये खाने वाला डाइट नहीं, ये जापानी नाम है। जापान की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम है जाक्सा, जैसे भारत में है इसरो, और जापान की मुद्रा का नाम है एन। अब आपको जापान से दो क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन, 2022 के जो समर ओलंपिक होंगे वो खेले जाएंगे जापान की राजधानी टोक्यो में, जिसका शुभांकर है सोमाइती और मेरिटोवा, और भारत में जो बुलेट ट्रेन बन रही मुंबई टू अहमदाबाद इसको भी जापान बना रहा है। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और, जो भारत में मालाबार एक्सरसाइज होता है ये होता है भारत और जापान के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में FWA फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2019 से किसे नामित किया गया है? तो इनका नाम है रहीम स्टर्लिंग, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। FWA का क्या मतलब है? FWA का नाम है फुटबॉलर्स राइटर्स एसोसिएशन, मतलब जो फुटबॉल राइटर एसोसिएशन द्वारा जो प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है उनका नाम है रहीम स्टर्लिंग, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। रहीम स्टर्लिंग जो है ये ब्रिटिश फुटबॉलर हैं, और इससे मिलता जुलता मैं कल एक और नाम बताया था, PFA फुटबॉलर प्लेयर ऑफ द ईयर। तो PFA का पूरा नाम है प्रोफेशनल फुटबॉलर एसोसिएशन, और इसके द्वारा जो प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है वो दो लोगों को दिया गया है, वर्गिल वैन डिग्ज को, इसके अलावा विवियन मिडेडा को, ये दो लोगों को दिया गया है PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का, और FWA फुटबॉलर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया ये दिया गया रहीम स्टर्लिंग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ITTF रैंकिंग में टॉप 20 में पहुंचने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है जी सत्यान, और इनकी पूरी दुनिया में जो टेबल टेनिस में रैंकिंग है वो है 25। तो ये तो बात हो गई भारत की। अगर अब बात की जाए कि पूरी दुनिया में, ये हैं जी सत्यान, पूरी दुनिया में नंबर वन कौन है टेबल टेनिस खिलाड़ियों में? तो इनका नाम है फैन जेन डोंग, जो कि चीन से हैं, और महिलाओं में जो पूरी नंबर वन आई हैं टेबल टेनिस में इनका नाम है डिंग निंग, ये भी चीन से हैं, और चीन का जो नेशनल स्पोर्ट है वो भी टेबल टेनिस है, जैसे भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। अब मैं आपको 4-5 नाम बताता हूँ जो कि आपको याद रखना है। ये हैं सभी खिलाड़ी जो कि भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, और ये नाम अक्सर पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। जी सत्यान, ममुआ दास, इसमें क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसा पूछा जाता है कि ममुआ दास जो खिलाड़ी हैं किस खेल से संबंधित हैं, तो उत्तर होगा टेबल टेनिस खिलाड़ी। तो ये नाम आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे लोकपाल के कार्यालय में विशेष ड्यूटी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है दिलीप कुमार, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। जो लोकपाल है ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता, ये एक संस्था होती है, उस देश की सबसे बड़ी संस्था जो कि जो भ्रष्टाचार होता है उसके खिलाफ सुनने के लिए और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी सरकारी पद पर आसीन उच्च व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो सबसे बड़ी संस्था होती है उसका नाम होता है लोकपाल, और लोकपाल का जो अध्यक्ष हैं भारत में उनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, और वर्तमान में जो लोकपाल के अध्यक्ष हैं यानी कि प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। लोकपाल क्या होता है? ये उस देश की सबसे बड़ी संस्था होती है एंटी करप्शन के लिए, जिसको बॉडी ऑफ ओम्बड्समैन भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया? तो जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस होता है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 मई को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब आपको याद रखना है कि इसका थीम क्या था। तो इस साल का जो इंटरनेशनल लेबर डे था इसका थीम था सस्टेनेबल पेंशन फॉर ऑल द रोल ऑफ सोशल पार्टनर्स। तो ये थीम भी आपको याद रखना है।
अब आपके लिए मैं एक होमवर्क देता हूँ, आपको अप्रैल महीना के जो कोई भी 10 दिवसों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन सा दिवस किस तारीख को मनाया गया। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा कि अप्रैल महीना के किसी भी 10 दिवसों का नाम किस दिन कौन दिवस मनाया गया। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता दूं, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को। इसी प्रकार आपको मिनिमम मैक्सिमम 10 या मिनिमम 5 दिवस आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसके द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को अपनी सह स्थान सुविधा के दुरुपयोग के मामले में 625 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है NSE, तो NSE पे 625 का जो जुर्माना लगाया करोड़ का, ये लगाया है सेबी द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ए। अब क्वेश्चन ये है कि सेबी क्या है। तो भारत में सिक्योरिटीज मार्केट के लिए जो सबसे बड़ी संस्था है उसका नाम है सेबी। सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी 1992 में, और इसका मुख्यालय है मुंबई में, और सेबी के जो वर्तमान में हेड हैं उनका नाम है अजय त्यागी। जो दूसरा है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसके खिलाफ 425 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है, इसका मुख्यालय मुंबई में, और इसके वर्तमान में जो CEO हैं उनका नाम है विक्रम लिमाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को प्रतिष्ठित गोल्डमैन प्राइज 2019 से सम्मानित किया गया। तो ये दिया गया है 6 लोगों को, आपको इनका नाम नहीं याद रखना, बस नंबर याद रखना है। तो ये दिया गया है 6 लोगों को, और जो गोल्डमैन प्राइज है पर्यावरण को, इसको ग्रीन नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 6, यानी कि ए। अगर आप नाम याद रखना चाहते हैं तो यहाँ मैंने लिस्ट प्रोवाइड कर दिया, आप नाम याद रख सकते हैं, लेकिन नाम वैसे पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ नंबर पूछा जाएगा। तो ये 6 लोगों को दिया गया, ये सभी हैं वो नाम जिनको दिया गया ग्रीन गोल्ड अवार्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहकों को दो पहिया बीमा प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो ये किया है विश पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस जो कंपनी है, इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 19.1 गोवा के तट पर हुई है। तो जो नौसैनिक अभ्यास है वरुण, ये भारत और फ्रांस के बीच प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ए। फ्रांस से आपको 3-4 क्वेश्चन पता होना चाहिए, कौन से क्वेश्चन। सबसे पहला, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, और 2018 का जो फीफा विश्व कप है उसका विनर है फ्रांस, और 2024 में समर ओलंपिक खेल खेले जाएंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और एक संस्था जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको हिंदी में बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को दो देशों ने मिल के बनाया है, भारत और फ्रांस ने, और इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, 2020 में जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में पुस्तक मेला होगा उसमें भारत मुख्य अतिथि के तौर पे आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और, हाँ, फ्रांस की राजधानी पेरिस में संस्था जिसका नाम है उसका नाम है FATF, इसका पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, और भारत FATF से ये मांग कर रहा कि आप पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट यानी कि काली सूची में डाल दीजिए, क्योंकि ये आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आपको इस संस्था का मुख्यालय याद रखना, FATF का मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और पेरिस में ही है ईफिल टावर। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में बिक्री के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे स्मार्टफोन कंपनी कौन बन गई। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, ये सेलिंग के हिसाब से यानी कि बिक्री के हिसाब से यहाँ रैंकिंग बताई जा रही है। तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी बन गई है बेचने के मामले में फ़ोन को, हुआई कंपनी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। नंबर 1 है पूरी दुनिया में सैमसंग, नंबर 2 पे है हुआई, और इसने अभी अभी पछाड़ दिया एप्पल कंपनी को। सैमसंग जो है साउथ कोरिया की कंपनी, हुआई चीन की कंपनी, एप्पल अमेरिका की कंपनी है। ये आप जो लोगो देख पा रहे हैं ये है हुआई कंपनी का लोगो। एक क्वेश्चन और, सैमसंग जो कंपनी साउथ कोरिया की कंपनी है, इसने 2018 में
पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो है नोएडा उत्तर प्रदेश में लगाया था। तो इस वीडियो को आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में मुकाबला करने वाले पहले भारतीय पहलवान बने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि रोज़ की तरह आज भी आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारी PDF परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, इसमें कोई भी समस्या आती है डाउनलोड करने में या कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमको इस मेल ID पे या फिर इस WhatsApp नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।